इस वीडियो में हम देखेंगे कि थीसिस अगर हम लिख रहे हैं तो लेटेक्स को यूज करते हुए तो उसमें हम फिगर्स को चैप्टर वाइज कैसे लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स को ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट किया जा सकता है, और इसी तरह से कि अगर फिगर में हम हाइपरलिंक लगा रहे हैं तो डायरेक्टली हम उस फिगर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और किस तरह से कैप्शन का कुछ पोर्शन हम लिस्ट ऑफ फिगर्स, बाद का हमारे पास काफी ज्यादा लेंथी हो जाती है तो उसको कैप्शन उसमें काफी ज्यादा लेंथी हो जाती है तो हम उसको किस तरह से कम डिस्प्ले कर सकते हैं लिस्ट ऑफ फिगर में, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट हम देखते हैं कि इसको मैं ओवरलीफ का एनवायरमेंट यूज कर रहा हूँ। कुछ फिगर्स मैंने अपलोड की हुई हैं जैसा कि FDP 1, लोगो 2, लोगो 3। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से यूज कर सकते हैं फिगर्स को रिसर्च पेपर में। अब यहाँ पे मैंने यूज की है डॉक्यूमेंट क्लास बुक, यानी कि वो एक तरह की थीसिस को लिख रहे हैं तो बुक डॉक्यूमेंट क्लास है। ग्राफिक्स का पैकेज जो है ग्राफिक्स को यूज कर फिगर्स को ऐड करने के लिए, सब कैप्शन जो है सब फिगर्स के लिए यूज किया है। ब्लाइंड टेक्स्ट का पैकेज जो है फिर रैंडमली टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज किया है। अब जब भी हमने फिगर्स बनानी है तो उसका ऐड करना है तो उसके लिए हम लिस्ट ऑफ फिगर्स की कमांड यूज करते हैं, यानी कि सिर्फ फिगर्स हम चैप्टर वाइज ऐड करते जाएंगे और सिर्फ एक कमांड यूज करेंगे लिस्ट ऑफ फिगर्स, और लिस्ट ऑफ फिगर्स की बेस पे हमारे पास जितनी भी फिगर्स ऐड हुई हैं चैप्टर वाइज उसके लिहाज से, उसके नंबर के लिहाज से फिगर्स और पेज नंबर के लिहाज से जिस तरह यहाँ पे शो की गई है वो शो हो जाए। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर बिल्फर्स इंट्रोडक्शन का चैप्टर डिफाइन करते हैं, चैप्टर इंट्रोडक्शन, और इसमें सेक्शन डिफाइन कर दिया फिगर इन वन कॉलम, यानी कि वन कॉलम में फिगर्स हम यूज कर रहे हैं, और रैंडमली टेक्स्ट जनरेट किया। फिगर को ऐड करना होता है तो हम उसके लिए ये यूज करते हैं। मैं अभी फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो बिगिन फिगर, एंड फिगर, और सेंटरिंग फिगर को सेंटर करने के लिए यूज करते हैं। अब इंक्लूड फिगर, उसके बाद उसकी वेट सेट कर दी है, और उसके बाद जो फिगर ऐड करनी थी उसका नाम KFDP1 जो यहाँ पे हमारे पास है उसको यहाँ पे हमने ऐड कर दी है, उसका नाम दे दिया है, और कैप्शन लिख दी है दिस कैप्शन विल नॉट अपीयर इन लिस्ट ऑफ फिगर्स। मीन्स कि ये बाद का हमारे पास काफी ज्यादा लेंथी फिगर्स की कैप्शन हो सकती है तो जब हम उसमें लिस्ट ऑफ फिगर में ऐड करते हैं तो काफी बुरी लगती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम करते हैं कि फिलहाल मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं। तो इसकी आउटपुट देखिए कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर में दिस कैप्शन विल नॉट अपीयर इन लिस्ट ऑफ फिगर जो हमने लिखा था। अब अगर मैं कैप्शन थोड़ी सी और मजीद बड़ी कर दूं तो ये जो है ना दो लाइनों में आ जाएगी या तीन लाइनों में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे बिट फर्स्ट रैंडम टेक्स्ट साथ इसके लिख देता हूं। और सिंपली दिस इज नॉट अ सब फिगर एग्जाम्पल, तो मैं इसको कंपाइल करता हूं। तो जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारे पास जिसका यहाँ पे शो होगा तो वो हमारे पास मल्टीपल लाइंस में भी आ जाता है और ये काफी बुरा लगता है थीसिस में देखने के लिए। तो इसका हल ये है कि हम इसके साथ अगर कोई चीज हमें सिर्फ लिस्ट ऑफ फिगर्स में शो करनी है तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो शो करना है वो हम उसके अंदर लिख देंगे तो वो सिर्फ वो ही हमारे पास लिस्ट ऑफ फिगर में जाएगा, बाकी जो है दिस कैप्शन या बाकी जो कर्ली ब्रेसेस में है
जो यहाँ पे फिगर शो हो रही होगी उसके नीचे ये टेक्स्ट शो हो रहा होगा। इसको दोबारा कंपाइल करके इसका इंपैक्ट देख लेते हैं। अब देखें कैप्शन फॉर लिस्ट ऑफ फिगर्स जो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है, और जो ओरिजिनल फिगर के साथ था जो हमने कैप्शन लिखी है, दिस कैप्शन विल नॉट अपीयर इन लिस्ट ऑफ फिगर, दिस इज नॉट अ सब फिगर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा है वो यहाँ पे शो होगा फिगर के साथ कैप्शन में, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है वो लिस्ट ऑफ फिगर्स में शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिस्ट ऑफ फिगर्स और में शो स्पेसिफिक टेक्स्ट को शो कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने शो किया है। अब मजीद इसमें एग्जांपल ये है कि अगर सेक्शन चेंज हो गया है तो इसकी ऑटोमेटिकली हमारे पास उसका चैप्टर चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका चेंज होगा। दूसरी फिगर थी उसमें 1.2 है, उसका सेक्शन चेंज हुआ है लेकिन पे उसका चैप्टर चेंज नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1.2 हुआ, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है और उसकी सेकंड फिगर है, फर्स्ट चैप्टर की थर्ड फिगर होगी 1.3 आ जाएगा। इसी तरह से मजीद मैंने एक चैप्टर क्रिएट किया है चैप्टर टू सब फिगर, अब जैसे ही चैप्टर चेंज हुआ है तो उसके लिहाज से फिगर चेंज हो गई है, यानी कि उसकी फिगर का नंबर चेंज हो गया 2.1। अब यहाँ पे इसका फिगर का नंबर है 2.1। अब इसको अगर मैं मजीद एक और चैप्टर बना दूं इधर, तो उसके लिहाज से ये जो है इसके कैप्शन जो है ऑटोमेटिकली नंबर जो है चेंज हो जाएगा, सब फिगर एग्जांपल्स के नाम से मैंने एक चैप्टर बना दिया है, चैप्टर और चैप्टर के अंदर सेक्शंस होंगे। तो अब चैप्टर टू में हमारे पास कोई भी सब फिगर नहीं है, फिगर नहीं है। अब चैप्टर थ्री स्टार्ट हुआ है तो उसमें ऑटोमेटिकली जब इसको कंपाइल करेंगे तो इसका नंबर जो है अपडेट हो जाएगा, जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वर्ड या और इसके एडिटिंग के लिए या बुक राइटिंग या थीसिस राइटिंग या रिसर्च पेपर राइटिंग। तो ये इसका बेनिफिट है कि हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली एक और चैप्टर है जिसका फिगर्स इन टेबल है, तो उसको हम कंपाइल करते हैं तो उसकी साथ उसकी कैप्शन जो है 4.1 वो टेबल की कैप्शन के लिहाज से आएगी, तो वो यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करते। तो इस तरह से हम इसको फिगर को लिस्ट ऑफ फिगर्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि हमने सिर्फ एक कमांड यूज की है लिस्ट ऑफ फिगर्स, तो लिस्ट ऑफ फिगर्स ने गेट करना है जहां जहां पे हमारे पास फिगर्स हैं जिस चैप्टर में है उसको यूज करके उसकी आउटपुट के तौर पे एक हमारे पास लिस्ट ऑफ फिगर्स का यूज हमारे पास शो कर देना है। अभी फिलहाल इस लेक्चर में हम यह नहीं देख रहे कि यहाँ पे जो दरमियान में इसके स्पेस है जैसे चैप्टर नंबर चेंज हो रहा है इसको हम हैंडल नहीं कर रहे लिस्ट ऑफ फिगर्स में। तो बाकी इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करते हैं, अब जहां पे हम क्लिक करते हैं तो हम स्पेसिफिकली उस फिगर पे नहीं पहुंच रहे, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का पैकेज यूज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे यूज पैकेज है हाइपरलिंक, कलर लिंक ट्रू है, लिंक कलर ब्लैक अभी फिलहाल हम यूज कर रहे हैं, इसको मैं कलर चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। यूआरएल कलर ब्लैक है, साइड कलर ब्लैक है, और ब्रेक लाइंस इसमें यूज किया और हाइपर रेफरेंस का पैकेज यूज किया। अब मैं अगर इसको दोबारा कंपाइल करता हूं, अब ये जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ तो वो स्पेसिफिकली उस पिक्चर पे उसको हमारे हमें ले जाएगा। तो हाइपरलिंक का पैकेज यूज करके हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब बाज़ अवकात रिक्वायरमेंट होती है कि हम इसका कलर ब्लैक की जगह ब्लू कर दें, तो अब इसका कलर अगर मैं ब्लू करता हूं तो अब लिस्ट ऑफ फिगर्स में जैसे यहां पे आ रहा है हमारे पास कैप्शन आपका, अब यहां पे इसका कलर ब्लू है, तो अब हाइपरलिंक का कलर चेंज करके इसको यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली फिगर को अगर रेफर किया है टेक्स्ट में भी वहां पे भी आप उसको हाइपरलिंक का पैकेज यूज करके।
उसको उस स्पेसिफिक फिगर पे पहुंच सकते हैं, ताकि अगर कोई उसमें चेंज करनी है या कैप्शन सेट नहीं है आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि बाद पेंटिंग में इसका कलर का मसला है, तो नॉर्मली ब्लैक करके सेम कलर होगा लेकिन हाइपरलिंक इसमें लगा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि अगर थीसिस है तो उसमें हम फिगर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चैप्टर बनाते हैं, चैप्टर के अंदर सबसेक्शन, सेक्शन, सबसेक्शन बना सकते हैं। तो जब भी फिगर शो होगी सबसे पहले चैप्टर नंबर होगा और उसके बाद डॉट और उसके बाद कौन उस चैप्टर में कौन सी फिगर है। आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह से बाद थीसिस के फॉर्मेट में या बुक के फॉर्मेट में इसमें 1.1 के बाद कॉलम नहीं आता, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर सब फिगर्स हमने लगाई हैं तो उसकी कैप्शन, स्पेसिफिक कैप्शन, अगर कैप्शन काफी ज्यादा लेंथी है तो हम उसका एक पोर्शन किस तरह से हम लिस्ट ऑफ फिगर्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने उसके बाद देखा है कि हम इसमें हाइपरलिंक लगा के कैसे कैसे लगा सकते हैं, तो ये आज का इस वीडियो में हमने ये चीजें डिस्कस की।